जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे ग्रुप में बैठे हुए हैं, गर्ल्स का काफी सारा ग्रुप है, इधर ग्रुप हो गया, एक आदमी हो गया पीछे कैमरे के पीछे, फिर ये बॉयज का ग्रुप है, इधर है ग्रुप, वो दो बच्चे हैं कुछ काम नहीं करते क्लास में, तो उनको भी देख लीजिए, डिसिप्लिन नाम तो कुछ भी नहीं है उनके अंदर, तो उनको अवॉइड करते हैं हम लोग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन द बॉयज ग्रुप एंड दे आर कंडक्टिंग सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग। तो हम लोग बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग? सर हम लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर पे, जिसमें हम लोग एक 9 वोल्ट का बैटरी लिए हैं और एक 2 ग्रेफाइट का लेड लिए हैं, और हम लोग अगर इसको वाटर में रखेंगे कुछ टाइम के लिए तो जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी के उसमें हाइड्रोजन गैस में का फॉर्मेशन होगा, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें होगा ऑक्सीजन गैस का ये फॉर्मेशन, और यही प्रोसेस हम लोग अभी करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, चलिए करके दिखाइए। इसमें कुछ टाइम स्विच वगैरह है? नहीं सर, ये एक बिना स्विच का सर्किट है। अच्छा, एक लोग वो बीकर को उठा लीजिए ताकि बबल कैमरे में देख पाए हम लोग, सर इसमें माइनर बल्ब बल हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ से पकड़िए, माइनर बल्ब बबल दिखे, देखिए इसमें अभी बबल का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है इस वाले ब्लैक में। रॉड को टच मत कराइए। हाँ सॉरी, इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लैक टर्मिनल में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन शुरू हो गया है नीचे बॉटम में। तो बबल तो बन रहा है, दूसरे वाले रॉड पे नहीं, इसमें ऑक्सीजन टाइम लगेगा। तो ये कौन सा बबल आप बता रहे थे, ब्लैक रॉड या नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए रॉड पे? सर नेगेटिव टर्मिनल पे होगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनेगा, और पॉजिटिव पे ऑक्सीजन गैस, और जो हाइड्रोजन गैस कंपैरेटिवली ऑक्सीजन से दुगना रहेगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में H2O है, 2 times ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है दो गुना है ऑक्सीजन से, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मोर और जस्ट ट्वाइस ऑफ द ऑक्सीजन गैस। क्या आपको दिख रहा है कैमरे में? यस सर। दूसरे की तरफ फोकस करो, दूसरा रॉड दिख नहीं रहा क्लियर। ठीक है, तो हम लोग इनकी तरफ बाद में आएंगे, अब आगे चलते हैं अजय कुमारी के ग्रुप में, और यहाँ पर क्या क्या आपने परफॉर्म किया? 13 So we have done an experiment to understand what is water electricity. So we have taken this 9 volt battery. This is positive terminal of the battery. And which one? Which color is denoting the positive terminal? Red one. And the black one is negative terminal. Okay. As you can see, the formation of water bubble is more in a negative terminal than the positive terminal. Please turn it here. You can't see it. They are touching each other, I think. Rotate it, please. You should separate the pencils so that we can see it. Hold it. इसको अच्छे से twist करिए। नीचे से bottom से touch नहीं होना चाहिए। एक लोग पकड़े रहिए ताकि वो दोनों separate हैं। Otherwise difference तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए जब तक ये बनाते हैं हम लोग चलते हैं आपके अगले group पे। हाँ तो ये है अनन्या कुमारी का group। सबसे पहले आप बताइए कि इसमें क्या क्या मटेरियल आपने यूज किया है? हमने एक ग्लास में वाटर को ले लिया है और 9 वोल्ट का बैटरी, और यहाँ पे हमने 9 वोल्ट का बैटरी यूज़ किया। ग्रेफाइट रॉड हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हमने पेंसिल का यूज़ किया, पेंसिल में भी ग्रेफाइट होता है, और हमारे रेड वाले वायर से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है और ब्लैक वायर से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। ठीक है, उसको कनेक्ट करिए। ओके। अब थोड़ा उसको लिफ्ट करिए, हवा में पकड़े रहिए ताकि हम लोग बबल देख पाए। छोड़ो। और यहाँ पे हमारे हाथ साइड करके पकड़, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव टर्मिनल वाले पेंसिल के नीचे ऑक्सीजन गैस बन रहा है और ग्लास वाज नॉट अ क्लियर। ग्लास को थोड़ा रोटेट करिए, उस साइड से नहीं आ रहा। हाँ तो बबल का थोड़ा बहुत हम लोग को फॉर्मेशन दिख रहा है, थोड़ा सा डर्टी है ग्लास इसलिए,
आपको ज़्यादा क्लियर दिख नहीं पा रहा है आउटसाइड से, और नेगेटिव से हमारा बबल का फॉर्मेशन हो रहा है, बबल हम लोग देख रहे हैं मूव कर रहा है ऊपर। यस सर। हाँ, तो ये जो बबल बन रहे हैं, जो यहाँ से बबल निकल रहा है इस रॉड से, ये कौन सा गैस होगा? ये हाइड्रोजन गैस। हाँ, वेरी गुड। तो नेगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस एक्युमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और पॉजिटिव ऑक्सीजन होता है नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करता है, और हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, वो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ जाता है और अल्टीमेटली वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। चलिए अगले ग्रुप पे चलते हैं। सो हेलो, हम लोग क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और हम लोग अपने साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर 14 से ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड हुए हैं, यूज़ हुए हैं। हमने दो पेंसिल यूज़ किया और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज़ किया है ताकि हमें पता चले जो भी एक्टिविटी अंदर हो रही है वो हमें दिखे, और हमने 9 वोल्ट का बैटरी यूज़ किया है जिसे हम वायर के थ्रू कनेक्ट किया है। अब हम जानते हैं कि इसका यूज़ क्या है और ये कैसे काम करता है। जब हम पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट करने वाले, एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन ऑफ करंट। वी आर गोइंग टू स्टडी द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, और इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, यानी जब हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो पानी में मौजूद जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है वो सेपरेट हो जाते हैं। yes, उसी को इस एक्सपेरिमेंट से करके देखेंगे। चलिए तो कनेक्ट करिए, कोई ग्लास को लिफ्ट कर लीजिए। ये रेड वाली जो वायर है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो येलो वाली वायर है ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर जब हम पॉजिटिव टर्मिनल को ग्रेफाइट से कनेक्ट करेंगे तो नीचे जो बबल्स आएंगे वो ऑक्सीजन के होंगे, और जब हम नेगेटिव वाली वायर को ग्रेफाइट से कन्वर्ट कनेक्ट करेंगे तो नीचे जो वो बबल्स आएंगे वो हाइड्रोजन के होंगे। तो उसको अच्छे से ट्विस्ट कर दीजिए दोनों टिप पर, और दोनों टच ना करें बॉटम से, ये ध्यान दीजिए नीचे बॉटम्स वहाँ भी ना टच करें, और यहाँ जो पेंसिल के जो ग्रेफाइट्स हैं वो नीचे भी ना टच करें, इसलिए एक लोग पकड़े रहिए, सेपरेट किए रहिए जल्दी। एक इसको भी ट्विस्ट करते रहो, पकड़ो तो, हाँ थोड़ा सा साइड कर लीजिए, बबल्स दिखना चाहिए। नहीं इतना फास्ट नहीं होगा, थोड़ा वी हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। ओके, अब इसको फोकस करिए। तो ये देखिए हमें कुछ बबल्स दिख रहे हैं, कुछ इस वाले साइड से और कुछ इस वाले साइड से। जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वहाँ पे बबल्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव वाला, क्योंकि वाटर में, क्योंकि जो वाटर में है वो H2O होते हैं और हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल होता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे डबल बबल्स प्रोड्यूस होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट हम लोग को बबल्स का फॉर्मेशन दिख रहा है। एक बार दोनों फोकस करिए, देखा जाए किस पे ज़्यादा मात्रा में बबल बने हैं। हम देख सकते हैं कि दोनों पे बबल बने हैं, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल पे ज़्यादा बबल, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। बिकॉज वाटर का कंपोजिशन ही ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ, तो बच्चे काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। अब वो फिर उस ग्रुप पे जाते हैं जो अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ बताइए आप लोग, पॉजिटिव वाला तो ज़्यादा। हाँ सो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। Which one is negative? Sir, this one. Haan. Black one. This negative one. Okay. Is it visual? Okay. 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 We have seen it. Okay.